हल्दी और भारतीय घरों में खुशहाली का नाता बहुत पुराना है। चाहे दुल्हन के हाथ पीले करने का जुमला हो या फिर दूल्हे और दुल्हन की रंगत निखारने के लिए हल्दी के उबटन के इस्तेमाल का, चाहे धोती को हल्दी के रंग से पीले करने की बात हो या फिर पूजा में हल्दी के चढ़ावे का, जब हल्दी की बात आती है तो भारतीय गृहस्थ के घर खुशहाली का एक सीधा नाता खड़ा हो जाता है। और हल्दी अब यही खुशहाली सांगली के किसानों के जीवन में भी ला रही है। चीनी की मिठास के लिए मशहूर सांगली के किसानों को अब हल्दी का पीला रंग भाने लगा है, इस कदर कि अब तक करीब 900 हेक्टेयर में हल्दी उगाने वाले सांगली के किसानों ने इस साल 1500 हेक्टेयर जमीन पर हल्दी की फसल लगाई है। सिर्फ गन्ने की खेती करने वाले किसानों ने भी अब कुछ हिस्सा हल्दी की खेती को दे दिया है। माझ्याकडे 12 एकर जमीन आहे, त्यात सगळा ऊस असायचा, नंतर मी 6 एकर ऊस आणि 6 एकर हळद केली। ऊसाचे पैसे 1.5-2 वर्षांनी मिळतात, हळदीचे पैसे 9 महिने काढले 10व्या महिन्यात पैसे मिळतात, त्यामुळे पैसे हे हळदीचे लवकर मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना खर्चाला ह्याला बरं पडते ऊसा कारखान्यापेक्षा, म्हणून आम्ही हळद ही पिकाकडे वळलो आहे। हल्दी की गुणकारी शक्तियों के बारे में भारतीय परिवारों को ढेर सारी जानकारी है, लेकिन अब हल्दी की फसल की गुणकारी शक्तियों के बारे में सांगली के किसानों को पता लग रहा है। हल्दी जिस तरह से शरीर के रोग दूर करती है, शरीर को स्वस्थ बनाती है, वैसे ही हल्दी की खेती वाली जमीन से भी रोग दूर भागते हैं और जमीन ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। हल्दी के हम जब प्लांटिंग करते हैं शुरुआत को, तो ज़्यादातर ज़्यादा हम फार्म यार्ड मैन्यूर का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जमीन में आने वाला पीक है। तो इससे क्या होता है, फील्ड की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है, तो इसका जो रेसिडुअल इफेक्ट है, अगले साल जब किसान गन्ना लगाते हैं तो इसका रेसिडुअल इफेक्ट गन्ने पर आता है। तो क्या हम नॉर्मली जब प्लेन फील्ड में ये लगाए तो गन्ने का उत्पादन 60 टन तक आता है, पर हम जब टर्मेरिक के प्लॉट में जब गन्ने लेते हैं तो 70-75 टन्स अप टू यील्ड हमें मिल सकती है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट क्या है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ने में हल्दी हमें बहुत मदद करती है। तो यहाँ के फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का उत्पादन लेते हैं और उसके बाद ही शुरू में जनवरी और फेब्रुवरी में शुगर केन का प्लांटिंग करते हैं, और वो शुगर केन नेक्स्ट साल में फेब्रुवरी या मार्च में हार्वेस्टिंग होता है। तो उससे ज़्यादा एक प्रति एकड़ उससे एक 60-70 टन उत्पादन हमें मिल सकता है। हल्दी जो है, हल्दी लगाने से खेत में थोड़ा उपजाऊ आता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है, और हल्दी निकलने के बाद जो गन्ना लगाते हैं वो एक एकड़ में हल्दी निकालने के बाद 90 टन हो जाता है, और हल्दी लगाने से पहले जो गन्ना लगाया जाता है वो 60 टन हो जाता है, और हल्दी लगाने के बाद जो होता है जो फायदा वो अच्छा ही है, और हल्दी सबसे अच्छा ही है खेत में, और हल्दी का भी पीक अच्छा है अपना। हल्दी की फसल की एक और अच्छाई ये भी है कि इसे कम पानी में भी उगाया जा सकता है, सिर्फ बारिश का पानी ही हल्दी की खेती के लिए काफी है। जहां पानी की कमी है वहां भी ड्रिप इरिगेशन जैसी सिंचाई के साधनों का इस्तेमाल कर हल्दी की खेती में बहुत शानदार मुनाफा पाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है फसल, जितना बारिश होता है उतना बारिश में आता ही है बारिश के साल में, लेकिन जिसके पास कुआ या है वो थोड़ा ही ये कर दिया तो भी हल्दी का वो आता है। सब किसानों को जहाँ पानी कम है वहीं भी हल्दी लगाया तो भी अच्छे हल्दी का फसल होता है। इसके अलावा हल्दी के साथ एक और अच्छी बात ये भी है कि इसके साथ उसी खेत से दूसरी फसल भी ली जा सकती है, जिससे आर्थिक तौर पर हल्दी की खेती काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। सांगली के हल्दी किसान खास तौर पर मक्के के साथ हल्दी की खेती कर काफी अच्छा परिणाम हासिल कर रहे हैं। अभी हम हल्द के लागन किया ना, तो 8-10 दिन में मक्का का पीक जो लिएगा उसमें से उत्पन्न अच्छा मिलता है, उसमें से कम 50-75% खर्च हल्द का निकल जाता है, और मक्का पीक से मक्के से हमको कम से कम 25-27 हज़ार रुपये उत्पन्न मिलता है 3 महीने में, और हल्द 9 महीने की पीक है। हल्द निकलने के बाद भी हम खेत ये नहीं रखते, खुला नहीं रखते, हल्द निकलने के बाद फिर गन्ना लेते,
और गन्ना भी हमको 50-60 टन का उत्पन्न निकलता है उसमें। हल्दी की खेती सबसे पहले भारत में ही शुरू हुई थी, लेकिन आज इसका उत्पादन करीब 1.5 दर्जन देशों में होने लगा है। ये अलग बात है कि आज भी दुनिया भर के कुल हल्दी उत्पादन का लगभग 90% और कुल हल्दी खपत का करीब 80% भारत में ही होता है। आज हल्दी एक्सपोर्ट बहुत बड़ी क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में जो कायदा बना हुआ है माथाड़ी कायदा, उस कारण से जो एक्सपोर्ट के जो नॉर्म्स है, फूड सेफ्टी के जो नॉर्म्स है, वो हमारे लेबर यहाँ फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए हमारा बिजनेस बाहर जा रहा है और हमारे लेबर को प्रॉपर रेट नहीं मिल रहा है। तो माथाड़ी का इधर अगर हट जाएगा तो नए लेबर आएंगे, नए लेबर को काम मिलेगा और इंडस्ट्री इसमें 10 गुना बढ़ सकती है। ये हल्दी इंडस्ट्री का लेबर के कारण से बहुत पीछे पड़ रहा है। हल्दी का निर्यात भी देश के किसानों और सरकार के लिए काफी फायदे का नुस्खा साबित हो सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि सरकार बेहद गुणकारी हल्दी के गुण दुनिया को बताने की नीति तैयार करें और भारत के किसान उस बाजार को ध्यान में रखकर काम करें। हल्दी का पीला रंग और इसकी खेती के कई फायदों के कारण बहुत से लोग इसे मिट्टी का सोना कहना भी पसंद करते हैं। तो स्वाभाविक है कि किसानों का रुझान हल्दी की खेती की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब जरूरत है केवल सरकारी नीति से इसको समर्थन और सहारा देने की। मंडी.com के लिए सांगली मंडी से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।